दक्षिण के जो उम्मीदवारी मैंने कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी मांगा था, मांगने के बाद में मैंने जो है पूरी तैयारी, 2 साल से तैयारी करते आए थे और मेरे को हाई कमान से आदेश था कि आप तैयारी करो बोल के, तैयार को लगो बोल के मैं लगा और 2 साल से मैं, मेरी कोशिश चल रही थी और ग्रामीण में भी फिर हमें ग्रामीण से भी अच्छा था, इसको भी अच्छा था चुन के आने का और इसलिए अपने हर समाज को मिला, मिल के काम करा और 2 साल से मेरा काम शुरू था और ऐसा ही नहीं 30 साल से मैं जब कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस से चुन के आता हूँ और कांग्रेस की एक भूमिका मानता हूँ सभागृह में और महानगर पालिका का एक मजबूत दावेदार बोले तो अब्दुल सत्तार महापौर है, हर पद पे रहे वाला है, अनुभव है मेरे को 30 साल का और अनुभव है बोल के मैं मैदान में उतरा था। इससे पहले भी मैंने मांगनी किया था, उस वक्त रनिंग एक पोकरना आमदार थे, उससे पहले भी मैंने मांगा था जब अशोक साहब CM थे, उस वक्त हमको बुलाया गया था जब मुक्ति संग्राम दिन था, औरंगाबाद में मेरी मुलाकात हुई थी, औरंगाबाद में मैंने दावा पेश किया था वहाँ पर, जब भी हमको नहीं दिए, उसके बाद में पोकरना जी दिए, पोकरना जी चुन के आए, उसके बाद पोकरना जी, पर आज तो दक्षिण की सीट खाली थी ना और जबकि पूरे मराठवाड़े में तुम सिर्फ कांग्रेस एक सीट देती है वो भी सिल्लौर में, आज पूरे मराठवाड़े में 44 सीट पर एक मुस्लिम कांग्रेस को देते हैं जबकि 2 सीट यहाँ उत्तर दक्षिण ये है, दो सीट पे एक दावा मुसलमान को देना चाहिए था। हमने हमारा दावा पेश किए, हम कसम खा के कहते कि हम आखिरी तक हमने हमारी दावेदारी दाखिल रही, बिल्कुल डट के रहा हूँ और मेरे को मेरे समाज का नेतृत्व करने का मौका देना था, मैं समाज के वास्ते लड़ रहा था, मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए था, मेरा उद्देश्य ये था, किसी को भी मिलना चाहिए था। जब दावेदारी पेश करते होगा 7 मुसलमान थे, 7 मुसलमान मांगे थे, मांगने के बाद दूसरे 6 हिंदू थे, 13 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी थी, उम्मीदवारी मांगते हुए सभी थे और ये बताया कि हमने ये लिख के दिए थे कि अशोक चौहान साहब को कि किसको भी उम्मीदवारी दो, आपको अधिकार दिए थे, खाली ये नहीं बोले थे कि मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देना नहीं, हमने ये नहीं बताए थे कि हम पीछे लेते, हमने मुसलमान को दिए, एक फिरका परस्त ताकत चुन के आएंगी, ये कौन बोल सकता फिरका परस्त ताकत चुन के, ये बोले एक कांग्रेस सेकुलर पार्टी, हम सेकुलर है, हिंदू कांग्रेस से लगे वाले ऐसा नहीं ना, एक मुस्लिम लिख नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टी ऐसा नहीं है बोले कि मुस्लिम वोट नहीं मिलते, ये हिंदू वोट नहीं मिलते, कैसा नहीं मिलते, कांग्रेस का वोट बैंक क्या है। और मैं ये चाहता था कि मैं लड़ना चाहता था और जिस तरह से कुछ मुस्लिम खायद मैं कम पड़ा, जो मुसलमानों ने जो आज लिख के दिए कि हम पीछे लेते, इसके कारण से मेरे को उम्मीदवारी डाल ली गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी नेता पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मजबूत दावेदारी करा था, मैं कौम को बेचने का काम नहीं करा, मैं कौम के खिदमतगार बोल के मैं मांग रहा था, मेरा हक था, मेरा हक था, मैं 30 साल से रहा था और हर समाज ने मेरा तायद की, हर समाज में ऐसा नहीं है, ये जो थे कुछ जैसे खुद के मफाद परस कुछ मुसलमानों ने जो लिख के दिए, जो खुद को दानेश्वर बोलते, एक दानेश्वर और आदमी साइन मार रहा, बड़ी शर्म की बात है क्या, आज हमारा दिल दुख रहा है, आज मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला कौन है बताइए आप। ये कह रहा हूँ कि भाई आज जिस तरह से आज दलित समाज को हर मतदार संघ में एक सीट लड़ने का अधिकार है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाता, मेरा हक था, मैंने हक मांगा, मैं किसी नेता पे नाराज़ नहीं हूँ ना, कोई पार्टी पे नाराज़ नहीं, पन 30 साल की सेवा में मैं किया हूँ और मेरे को हक मिलना था, नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं, फिर भी एक बार मैं सभी मुस्लिम भाइयों का और मीडिया का खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ तक मेरे को मीडिया ने पहुँचाए। मैं 30 साल का राजकारणी हूँ और मैंने हर पद मैंने अनुभव से चलाया हूँ, मैं किसी पार्टी को कभी बिकाने हूँ और अल्लाह के फजल से कभी बिकूँगा भी नहीं और मैं कुछ यहाँ तक मेरी कौम ने पहुँचाई, मैं कौम का और सभी हिंदू समाज का भी मेरे को ताउन था, ग्रामीण में भी था मेरे को और मेरे को मेरी दावेदारी मिलना था, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज मैंने कोई अपक्ष फार्म नहीं भरा। मैं नेता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेता ने बार बार मेरे को पोस्टर दिए सब दिए, पर आज मैं कौम का एक काम करना चाह रहा था। आज नांदेड़ में जो है 8 सीट पर हर समाज को संधि मिलती है तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये भावना से मैं काम करने के मामले पे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जब भरते हुए 7 उम्मीदवार थे,
सात उम्मीदवार जब मुस्लिम समाज के मांगते हैं कि भाई जब मांगते वक्त किस बिना पे मांगे थे आपने, और आप बताते हैं कि लिख के देते हैं कि मुस्लिम चुन के नहीं आ सकता, तो आप कौन से बेस पे आप मुस्लिम बोल के आप उम्मीदवारी की दावा दाखिल कर रहे थे? खाली मेरा विरोध करना था कि अब्दुल सत्तार को टिकट नहीं मिलना और मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं मिलना बोल का उद्देश्य था। उन्होंने उद्देश्य में वो शामिल हुए, शामिल है, वो कौम को बेचने का काम उन्होंने किया। अब्दुल सत्तार कौम को बेचने का काम नहीं किया। कुछ लोगों ने सर पार्टी छोड़कर क्या असर पड़ा? नहीं नहीं, इसका जो असर मैं बता रहा हूँ आपको, जो इधर उधर भागने से मतलब नहीं आता है, जो सेकुलर पार्टी बताते हैं वो कुछ वोट लगते हैं ये बेस पे है, और फिर भी नांदेड़ की जनता ने, नांदेड़ के कौम ने जो हक में फैसला करेंगे, मैं कौम के साथ हूँ, मैं कौम से साथ, कौम का लीडर हूँ। कौम ने मेरे को यहाँ तक लाए, 30 साल से मेरे को मेरे कौम ने यहाँ तक पहुँचे। सत्तार अकेला नहीं है, कौम की खिदमत करूँगा अल्लाह के फजल से। कौम जो डिसीजन लेंगे मैं उनके साथ में हूँ कौम के, और जो बता रहा हूँ कि मैं पार्टी से भी नाराज़ नहीं, मेरे नेता से भी नाराज़ नहीं। नेता ने जो आदेश दिए मैं नेता का पालन करूँगा, और नेता ने भी मुसलमानों को ऐसे क्या कर रही है डिक्लेयर करना चाहिए। मुसलमानों को क़यादत, कौन सी क़यादत देने वाले आप? हम ये नहीं है, हम कोई बिकाव माल नहीं। अब्दुल सत्तार कौन सी बाजार में जाके बिक गया, किसका भी टिकट लेके खड़े या नहीं। हम ये चाहते थे कि मुसलमानों को नेतृत्व करने को मिलना चाहिए, मुसलमानों की खिदमत करने वाला कौन है आज? आज तुमने महाराष्ट्र में सिर्फ 10 सीट दिए, आज बताइए, आज जो हमारा हक था वो हमको दिया जाना था। जब एक इकट्ठा वोट लोकसभा में मुसलमान डालते हैं तो आप हमारे को नेतृत्व क्यों नहीं करने देते हैं? मेरा दावा था, मैं दावा पेश किया। 70 सीट अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व नहीं दे रही तो फिर इसका कुछ तो उपाय होगा कि अगला इकदाम की मुसलमानों को और जो अकलियती तबका है इनको क्या है, क्या करना चाहिए? नहीं, अकलियती सब मैं बात ये बता रहा हूँ कि मैं कौम के साथ हूँ, कौम ने डिसीजन लेना चाहिए। और ये अशोक राव ने भी कौम को क्या दे रहे, ऐसा नहीं चॉकलेट मत दो, चॉकलेट बहुत हो गया। बार बार बोलते थे कि मुसलमान को इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा, टिकट दिया था MLC दिया जाएगा, ये दिया। महानगर पालिका हद तक नहीं है मुसलमान, मुसलमान जागरूक हो चुका, अपना हक मांग रहा है। हम नहीं कुछ, मैं फिरका परस्त, जैसे कि कांग्रेस में भी है ऐसा हिंदू फिरका परस्त हिंदू, आजू बाजू चट्टे पट्टे अशोक राव के साथ, वो चाहते हैं कि मुसलमान की नेतृत्व करने वाला मुसलमान कोई उसके अशोक राव के पास पावरफुल नहीं बनना चाहिए। ये ऐसे कई लोग हैं उनके साथ में, अशोक राव एक सेकुलर आदमी, अच्छा आदमी है, पर उनके साथ के चट्टे बट्टे उनको सुधरने रहने नहीं, मैं खुला आरोप करता हूँ। पिछले 70 सीट कर नांदेड़ जिले में अगर देखा जाए तो 40 से 45 साल से मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, लगातार बिना मुतालिबे के वोट देता आया है। इसके बाद भी जो है 40 साल गुजर जाने के बाद भी या फिर पिछले 25 सालों में भी अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती तो इसका रिएक्शन मुसलमानों में आएगा या नहीं आएगा? कैसे नहीं है सर, क्या मुसलमान तो देख रहे थे ना, एक अच्छे नैया से तय करे थे कि सत्तार को उम्मीदवारी मिली तो हम पूरे रहेंगे कांग्रेस के साथ रहेंगे, बिल्कुल बोले। और अशोक राव ने कहना चाहिए आके किस बिना पे उम्मीदवारी नहीं दिए, टीवी पे मुलाकात दे के देना चाहिए। ऐसा नहीं चंद मुसलमानों ने लिख के दे दिए, दानेश्वरों ने बुला के मैं पूछ लिया, दानेश्वरों ने बोले कि मुसलमान सीट चुन के नहीं आती, फिरका परस्त को रोकने का है तो आप मुसलमानों को मत दो, कोई सेकुलर हिंदू को दे, बोल के एक चंद मुसलमान बिकाऊ मुसलमान ने लिख के देने के बाद में चलने वाला आएगा, कौन फैसला करने वाले वोट देने का? अभी ये जो उम्मीदवार का नाम आया है सामने, इसका प्रचार आप करेंगे क्या? नहीं नहीं, जब तक मुसलमानों के हक में क्या फैसला कर सकते हैं अशोक चौहान, क्या करने वाले, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा।